तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम इन सारे क्रैकर्स को जलाएंगे, दिखाएंगे किस प्रकार के ये क्रैकर्स हैं। तो हम पहले दिखा देते हैं कौन से पटाखे हैं। तो ये है सुगंधित धुआं यानी कि जो कलर स्मोक, ये सांप है, विसलिंग रॉकेट, छोटे छोटे बटरफ्लाइज, चक्री, अनार और फुलझड़िया। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं जलाना। तो सबसे पहले हम फुलझड़ी और सांप से शुरुआत करेंगे, उसके बाद हम जलाएंगे अनार को, फिर चक्री, लास्ट में जलाएंगे रॉकेट, उसके बाद धुएँ को और बटरफ्लाई, और लास्ट में रॉकेट को। तो चलिए बिना वक्त वेस्ट किए हम जल्दी से क्रैकर्स को जलाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम सांप को जलाएंगे, देखेंगे फुलझड़ी। तो दोस्तों ये फुलझड़ी काफ़ी अच्छी है क्योंकि ये बहुत ही कम समय के अंदर जल जाती है। और सांप की क्वालिटी की बात करें तो सांप भी काफ़ी अच्छे है, जो ज़्यादा ब्लैक धुआँ नहीं देता है, इसलिए ये काफ़ी अच्छे सांप है। तो और फुलझड़ी की बात करें तो फुलझड़ी भी काफ़ी बेहतरीन है, आप फुलझड़ी भी देख सकते हो, जो बीच में स्टॉप भी नहीं होती है फुलझड़ी। जो कई फुलझड़ी आपने देखी होगी कि स्टॉप हो जाती होगी बीच में, या तो फिर स्लो हो जाती है जलते जलते, पर ये इस प्रकार की फुलझड़ी नहीं है। आप सांप भी देख सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन है। और अगर आप इस जैसे जलते हुए यानी कि सांप जल जाते उसके बाद हम ऐसे ब्लैक जगह पर हम डालेंगे पानी तो निकल जाएगा आसानी से। तो हम अब ट्राई करते हैं हम अनार को। तो दोस्तों अब हम इस छोटे वाले अनार को ट्राई करते हैं, देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है। तो अनार छोटा है पर काफ़ी अच्छा जला। तो दूसरा अनार को भी हम जलाते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो हम दूसरे अनार को जलाएंगे थोड़ा सा ऐसा रख के, फिर देखेंगे क्या होता है, क्योंकि पटाखे तो हम अच्छी तरह से तो जला नहीं सकते। तो फिर रखते हैं इसको ऐसे, फिर जलाते हैं। तो जलाते हैं सेकंड अनार को, टेढ़ा रख के देखते हैं कहीं जाता है नहीं, क्या होता है। वाओ, तो ये दोस्तों ये अनार तो खड़ा हो गया, रखा था टेढ़ा और खड़ा हो गया। तो अब हम टेस्ट करेंगे इस चक्री का, देखेंगे चक्री कैसी है, छोटी है बहुत, देखेंगे किस प्रकार की है ये चक्रिया। तो दोस्तों अब चक्री को जलाते हैं। तो चक्री काफ़ी ही जल्दी जल चुकी है और काफ़ी ही अच्छी घूमी, बहुत कम टाइम घूमी पर अच्छी घूमी है। तो दोस्तों इस चक्री की खासियत ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ब्लैक ब्लैक बारूद है, वो बारूद रॉकेट में आता है वैसा ही बारूद है, यानी कि इसको जलने में काफ़ी देर नहीं लगती। तो चलिए इस चक्री को भी जलाते हैं, देख सकते हैं आप बहुत जल्दी ये चक्री जल जाती है। तो देख सकते हैं जल गई। तो ये चक्री काफ़ी अच्छी जली पहले के हिसाब से। तो अब इस बटरफ्लाई को जलाते हैं, देखते बटरफ्लाई किस प्रकार से जलते हैं, कितने ऊपर तक जाते हैं। तो जलाते हैं बटरफ्लाइज को। तो बटरफ्लाई को जलाते हैं, तो बटरफ्लाई जल चुके हैं, देखते कितने ऊपर तक जाते हैं। ये बटरफ्लाई ऊपर जाते हैं तो थोड़े ही ऊपर गए, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हवा है, आप मेरे आवाज़ से भी पता लगा सकते हो, कोई बात नहीं। दूसरे बटरफ्लाई को जलाते हैं, देखते ये कितने ऊपर तक जाते हैं, हवा बहुत ही ज़्यादा है अभी इसलिए बटरफ्लाई को ऊपर जाने में दिक्कत तो आएगी। तो ये बटरफ्लाई थोड़ा सा टेढ़ा हो गया पर ऊपर भी गया, तो काफ़ी अच्छा है।